हम देखेंगे यंग का दी स्लिट प्रयोग या यंग का दी छिद्र प्रयोग कहेंगे। इसमें क्या है कि प्रकाश स्रोत लिया जाता है, उस प्रकाश स्रोत से एक वर्णी प्रकाश लिया जाता है और एक वर्णी प्रकाश को पहले एक छिद्र से गुजारा जाता है जिसको हम छिद्र का नाम दे देते हैं S1। S1 से निकाला जाता है, सामने एक पर्दा होता है, पर्दे में दो छिद्र होते हैं और दोनों छिद्रों के बीच की दूरी को हम d मान लेते हैं, स्मॉल d। अब इन छिद्रों से प्रकाश गुजरता है तो फिर अगला एक पर्दा होता है, उस पर्दे पर ये दोनों छिद्रों से प्रकाश जाकर के गिरता है और दोनों पर्दों के बीच की दूरी को हम कैपिटल d से प्रदर्शित करते हैं। और जिस बिंदु पर हमें, जब ये दोनों छिद्रों से प्रकाश निकल करके जाएगा तो जो केंद्र बिंदु होता है इन दोनों से, दोनों छिद्रों के मध्य से जो लंबवत सीधी दूरी होती है वहां पर केंद्र बिंदु होता है, उसको ए बोलते हैं, ओ बोलते हैं। यहाँ पर इनका जो पथांतरण होता है वो जीरो होता है, यानी जो प्रकाश किरणें इससे लैम्डा बन गई, इससे लैम्डा टू गई, दोनों जाकर के मिलेगी बिंदु ऊपर। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों तरंग दैर्ध्यों का जो अंत, इनको पथ बोलते हैं, इसको इस तरंग का पथ ही हो गया, इस तरंग का पथ ही हो गया, दोनों तरंग के पथों के अंतर को पथांतरण कहते हैं। और एक फ्रिंज यहाँ पे बनती है केंद्र पर, फिर इस तरह से अनेक फ्रिंजें बनती हैं, तो दीप्त फ्रिंज बनती है। तो दो दीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी को एक्स एन से प्रदर्शित कर देते हैं, किसी से प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन यह दो लगातार फ्रिंजों के बीच की दूरी या कैसी भी हो, दो फ्रिंजों के बीच की दूरी है, दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, जो भी हो, तो उसको हम एक्स एन से प्रदर्शित करते हैं। अब हम इसका सूत्र बनाते हैं, सूत्र कैसे बनता है, तो लैम्डा बटे डी बराबर होता है एक्स एन बटे डी, यानी नीचे जो दे रखा है वो दूरी है, स्मॉल डी का मतलब है कि दोनों छिद्रों के बीच की दूरी और कैपिटल डी का मतलब होता है दोनों पर्दों के बीच की दूरी। अब यह लैम्डा दे रखा पथांतरण, यानी तरंगों के पथ का अंतर, और एक्स एन का मतलब होता है दो फ्रिंजों के बीच की का अंतर, जिसको हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। अब यहाँ तो केंद्र से ले रखे, अगर ऊपर से हो यानी पहले और दूसरे फ्रिंज से लिया जाए तो उनके बीच का जो अंतर होता है उसको बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई, दो फ्रिंजों के बीच की मध्य की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो इसका सूत्र बन जाता है पथांतरण बटे दो छिद्रों के मध्य की दूरी बराबर दो फ्रिंजों के बीच की दूरी बटे दो पर्दों के बीच की दूरी। अब इसे हम मान रख करके फ्रिंज चौड़ाई निकाल सकते हैं एक्स एन, पर्दे के बीच की दूरी निकाल सकते हैं कैपिटल डी, दोनों छिद्रों के मध्य की दूरी निकाल सकते हैं स्मॉल डी, और जो तरंग दैर्ध्य है उनके बीच की दूरी निकाल सकते हैं या पथांतरण निकाल सकते हैं लैम्डा। तो ये है हमारा यंग का दी स्लिट प्रयोग या दी छिद्र प्रयोग। तो यहाँ देखते हैं जो पथांतरण का अनुपात तो ये हो जाएगा बटे में, और इसका अनुपात ये हो जाएगा कैपिटल डी, तो एक्स एन बटे डी, और इसका जो अंतर है लैम्डा का बटे स्मॉल डी, ये बराबर होंगे एक दूसरे के। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।